एसएस राजा मौली की एनिमेटेड सीरीज बाहुबली क्राउन ऑफ ब्लड का ट्रेलर रिलीज हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर सीरीज रिलीज होगी। इसे देखने के बाद प्रभास की याद जरूर आएगी। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ तनवीर कौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड केसरी। एसएस राजामौली की एनिमेटेड सीरीज बाहुबली क्राउन ऑफ ब्लड का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। ये सीरीज डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज के लिए पूरी तरह से तैयार भी है। ये कब रिलीज होगी और कैसे होगी इसके बारे में भी जानकारी आ गई है। जी हाँ, इसका ट्रेलर देखकर आपको प्रभास की याद आएगी ही आएगी। जितना प्यार आपने प्रभास को बाहुबली के दोनों पार्ट्स में दिया था, अब ओटीटी पर बाहुबली क्राउन ऑफ ब्लड को भी उतना ही प्यार मिलने वाला है। इसे देखकर आप बिल्कुल बोर नहीं होने वाले हैं, इसका अंदाजा आपको ट्रेलर देखकर ही लग जाएगा। एसएस राजामौली ने इस एनिमेटेड सीरीज को शरद देवरंजन के साथ मिलकर बनाया है। शरद ने इससे पहले द लेजेंड ऑफ हनुमान जैसी बेहतरीन सीरीज बनाई है। ट्रेलर की शुरुआत में फिल्म बाहुबली की झलक दिखती है, जिसमें अमेंद्र बाहुबली और भल्लाल देव नजर आते हैं। उनकी मां माहेश्मती भी नजर आती हैं। जैसे ही फोकस बाहुबली क्राउन ऑफ ब्लड पर होता है, कहानी बदल जाती है। एसएस राजामौली की सीरीज बाहुबली क्राउन ऑफ ब्लड में कुछ क्लाइमेक्स को बदला गया है। जी हाँ, राजामौली ने इसके बारे में पहले ही बताया था कि वो बाहुबली के एनिमेटेड पार्ट को बनाकर काफी खुश हैं। बता दें, 17 मई को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर बाहुबली क्राउन ऑफ ब्लड को रिलीज किया जाएगा। साउथ के सुपरहिट फिल्म निर्माता निर्देशक एसएस राजामौली ने वैसे तो एक से बढ़कर एक फिल्में बनाई हैं, लेकिन बाहुबली जैसी चर्चा में रहने वाली फिल्म एक अनोखी ही फिल्म थी। साल 2015 में फिल्म बाहुबली द बिगनिंग रिलीज हुई। इसी के आगे की कहानी साल 2017 में आई फिल्म बाहुबली द कंक्लूजन में दिखाई गई। इन दोनों फिल्मों ने मिलकर बॉक्स ऑफिस पर 20 करोड़ से ज्यादा का बॉक्स ऑफिस बिजनेस किया था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। बाहुबली की दोनों फ्रेंचाइजी में प्रभास लीड एक्टर बाहुबली के रोल में नजर आए थे, जिसमें उन्होंने पिता और बेटे का रोल बखूबी निभाया था। इसके अलावा अनुष्का शेट्टी, राणा दग्गुपति, तमन्ना भाटिया, सत्यराज, राम्या कृष्णन जैसे कलाकारों ने अहम किरदार निभाया था, जिसको लोगों ने सबसे ज्यादा पसंद किया था। उन दोनों फिल्मों ने ना सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया था, लेकिन पब्लिक के बीच में भी एक धमाका मचा दिया था। प्रभास ने तेलुगु फिल्म ईश्वर से डेब्यू किया था। इसके बाद वह राघवेंद्र 2003, वर्षम 2004, चरकम 2005, योगी 2007, एक निरंजन 2009, रेबिल 2012, बाहुबली द बिगनिंग 2015 और बाहुबली द कंक्लूजन जैसी फिल्मों में दिखाई दिए। साहू उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म है। वह इसे मिलाकर अब तक की 19 फिल्मों में काम कर चुके हैं। आप क्या सोचते हैं प्रभास की नई वेब सीरीज के बारे, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।